ये भजन किसकी है? उधर आप अभी आगे चले ना, उधर से होके। अच्छा, इमरान जरा बताते भी जाए ना, सबको पता चले। हम पहुंचे हैं ये इस मकाम को, और उस शोदा कहते हैं जहाँ पे सुनसार शोदाए करबला, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो करबला के बाद यहाँ पर सर लाए गए और यहाँ पर अर्जी दफन किए गए, और उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इन सरों को साथ लेकर करबला मुकद्दस में गए और वहाँ पे जसद मुबारक के साथ सरों को मदफन किया। और इस मकाम पर जब इमाम अलैहिस्सलाम आए तो वो मकाम आपने नहीं देखा, वो जगह है जहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे पानी दो ताकि मैं सरों को गुस्ल दूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो मौजनुमा हैं, आपकी हर चीज़ आप तो कहते हैं कि हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर ठोकर लगाई और यहाँ से चश्मा जारी हुआ, पानी जारी हुआ, और उस पानी से मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर के अंदर उन 16 सरों को गुस्ल दिया। ये पत्थर वही है उसी टाइम का, 1400 सदियाँ, ये जिस पत्थर में मौला गाजी सरकार के सर को गुसल दिया गया, शहजादा अली अकबर के सर को गुसल दिया गया, हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के सर को गुसल दिया गया, हज़रत होड़ के सर को गुसल दिया गया, और दीगर जितने भी सर हैं वो मैं उस साइड पे आपको एक एक नाम भी बताऊंगा जब अंदर जाते हैं। तो ये मस्जिद जो सामने मेहराब नज़र आ रहा है, ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है, सीना दिया सामने जो मेहराब है। तो वो पानी मौजे वाली जगह जहाँ पे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मौजे से पानी तलब किया और उस पे इस मकाम पर गुसल दिया, और ये मस्जिद है अंदर जहाँ पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, ये वो मकाम है। और 16 सर शुदा उधर उस साइड पे एक एक का नाम दिया। और दो रिकात शहदा की वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और ये पर थोड़ी सी अल्लाह करेंगे मंदिर द्वारा और निकलेंगे अंदर कब्रिस्तान, ठीक है? दो रिकात नमाज यहाँ पढ़े इमाम पहले इस साइड पे आ जाते ना उनको। ये वो मकाम है जहाँ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस जगह से चश्मा पैदा किया था, जिससे इन मौला के जितने भी करबला के शहदा के सर थे उनको इसमें गुसल दिया गया था इस पत्थर में। तो ये वही पत्थर है आज से 1400 साल पहले, तो इस पत्थर के अंदर सरों को रखा गया था और यहाँ पे उनको गुसल दिया गया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। मकाम पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आर्जी तौर पे मदफन किए, और जिस तरतीब से मदफन किए वो तरतीब अंदर से आप देख सकते हैं। इस मकाम पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने 16 सर शुदाए करबला को मदफन किया, और जिसमें पहला सर हजरत अबू बकर बिन अब्बास का है, दूसरा सर हजरत अकबर बिन अल इमाम हुसैन का, तीसरा सर शहजादा कासिम का, चौथा सर जनाब अब्दुल्ला का, पांचवा सर उमर बिन अली का, करबला के है यहाँ पे मदफन है। Yeah.
مسانہ حق ہے تو بس یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے سولہ شہیدوں کے سروں کو عارضی طور پہ یہاں دفن کیا تھا. وہ جو 16 شہداء ہیں ان کے نام وہ لکھے ہوئے ہیں جن میں مولا عباس، علی اکبر، علی اصغر سب کے نام ادھر لکھے ہوئے ہیں ان 16 شہیدوں کے. عليهم السلام.